मैं इस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुमरा रेलवे स्टेशन पर MIM पार्टी के नेता सैफ पठान अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर यहां हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दरअसल ये बेमुद्दत हड़ताल है। बताया जा रहा है कि आज 7वां दिन हो गया है इनके हड़ताल का। क्या कुछ अभी तक मनपा अधिकारियों ने इनसे मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई है इस कब्रिस्तान के मुद्दे पर, क्योंकि इनके हिसाब से कब्रिस्तान अवैध बताया जा रहा है। वहीं दूसरे जो पक्ष हैं उनके तरफ से कब्रिस्तान को जो है लीगल बताया जा रहा है। सैफ पठान से हम बात करेंगे। अभी तक आज 7वां दिन आप लोगों का है, तो इस दौरान मनपा के अधिकारी जो कुछ लोग भी यहां पर आए, तो क्या बातचीत हुई आप लोगों की उनसे कि कब्रिस्तान लीगल है या जो है अवैध है, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया है, अगर आश्वासन आपको मिला है कुछ उनके तरफ से, आंदोलन खत्म करने के लिए कहा गया या नहीं कहा गया है, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं। जी देखिए कि जैसा कि आपने कहा कि यानी कब्रिस्तान लीगल है या इलीगल है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी इलीगल है, इसको मान्यता नहीं है। आप देखिए कल मेरे पास कुछ अधिकारी आए थे, मुमरा प्रभाग समिति के AMC और डेप्यूटी इंजीनियर अंजुम, वो लोग आए थे कल। उन लोगों ने मुझे पेपर दिया, ये उन लोगों ने मुझे पोजीशन लेटर दिया। आप देखिए, आपको पता होगा कि कब्रिस्तान जो है हम लोगों का चालू हुआ है 2019 में, बराबर है। म्युनिसिपैलिटी जगह मालिक से जगह का पोजीशन लेती है 2023 में, और मैं ये भी श्योर हूँ कि ये पेपर भी 2023 के नहीं होंगे, ये आजकल में बनाए गए होंगे। जब हमने इसके लिए आवाज़ उठाई, हम लोगों को मालूम पड़ गया कि इलीगल है, हमने आवाज़ उठाई, नहीं तो ये हमको अंधेरे में रखते थे। अब एक उम्मीद की किरण जागी है मुझे कि लोगों ने ये पेपर बनाया तो शायद मान्यता के पेपर भी बना के दे दिए जाएंगे, भले से बैक डेटेड बना के दे दिए जाएंगे, लेकिन दे दिए जाएंगे। आप सोचो कैसे पॉसिबल है कि म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन 2019 में मुमरा वालों को बोलती है कब्रिस्तान चालू करो, आप ये कब्रिस्तान को चालू करो और आप इसमें लोगों को दफनाओ, जबकि उसका पोजीशन ही नहीं है उस पर, जो जगह मालिक है उससे उसने अपने अंडर में लिया ही नहीं है, और ये लेती है 2023 में। कब्रिस्तान चालू कब से हुआ? 2019 में फरवरी के महीने में, और ये लिया जा रहा है 2000। देखिए आपने सीधा पोजीशन की डेट देखिए, द पोजीशन ऑफ अबोव साइड लैंड इज टेकन ओवर ऑन 22 डे ऑफ ईयर 2023। ये मेरा बनाया नहीं, म्युनिसिपैलिटी ने कल जो मुझे पेपर दिया ये वो है, ये वो पेपर है। अब इसके बाद उन लोगों ने कुछ 7-12 दिए, मैं 7-12 की कहानी को नहीं मानता हूँ, कभी भी नाम चढ़ते उतरते इसके लिए मैं उस पर बहस नहीं करूँगा। उसके बाद मैंने स्लाटर हाउस की मांगनी की थी। आप मुझे बताएं, ये उन लोगों ने मुझे स्लाटर हाउस लिख कर दिया है, पहले जहाँ स्लाटर हाउस पास हुआ था, जो कमिश्नर ने कहा था कि इंटरचेंज होगा, वहाँ आज बिल्डर माफिया बिल्डिंग मान रहा है, यही NCP का बिल्डर माफिया बिल्डिंग मान रहा है। आपके इंटरव्यू में मैंने देखा कि वो नजीमुल्ला भाई ने उनने बताया कि यानी बिल्डर माफिया बिल्डिंग मान रहा है, इनकी पार्टी का है। मैं यही चिल्ला रहा हूँ ना कब से कि कोई बिल्डर माफिया बिल्डिंग मान रहा है, हमको स्लाटर हाउस दिया जाए। अब ये मुझे लिख कर दे रहे कोई तीसरी जगह, वो भी इसी वे ड्राइंग के पेपर पे, और दूसरे कोई भी दस्तावेज दें और उस पर साइन भी नहीं। कहाँ है साइन? उप अभियंता की साइन कहाँ है? ये जिसने सर्वे किया उसका नाम कहाँ है? ये म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर मुझे आके पेपर दे रहे कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के सर्वे नंबर अलग लिखे हुए। कितना सर्वे नंबर? ये जो 2010 का नोटिफिकेशन है, फिर 2013 का नोटिफिकेशन है, जो हमारा पुराना कब्रिस्तान था, अब ये लोगों ने मुझे इस पर और एक नोटिफिकेशन दिया है। इस नोटिफिकेशन की मैं कॉपी आपको देता हूँ, इस पर तो ये 55, 56, 57 का जिक्र ही नहीं है, और ये मुझे कह रहे हैं, अच्छा इस पर भी सिग्नेचर नहीं है, इस पर भी सिग्नेचर नहीं है। ये सब किसने दिया आप? ये AMC प्रभाग समिति के बालू पिक्चर और अंजुम। तो जब इस पर सब साइन नहीं सिग्नेचर नहीं तो आपने लिया क्यों? मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने उनसे कॉपी ले ली, मुझे कॉपी दीजिए और आप मुझे मेरा जवाब दीजिए। आपने जो लाए मुझे एक जेरोक्स कॉपी दे दो, मैं बोला मेरे पास रेफरेंस को होना चाहिए ना, मैंने कॉपी ली उनसे, ऑन कैमरा ली और न्यूज़ वालों के सामने ली, वो पेपर लाइव है मेरे पास देते हुए वो लोग। अब इसमें दूसरा खेल देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ के जो विधायक हैं, जो यहाँ के MLA हैं, ये उनकी झोलझाल और उनकी दलाली है। आप देखिए कि जैसा कि आपने कहा, एक मीर जाफर एक मीर सादिक को
जितेंद्र अवार्ड ने छोड़ा है हमारे यानी इस धरने को बदनाम करने के लिए। उन्होंने दो दिन पहले पेपर शाया किया, ये उनके नंबर से व्हाट्सएप ग्रुपों में छोड़ा गया। हम लोग इस पर FIR की मांग कर रहे, पुलिस वालों को हमने बुलाया है, पुलिस वालों ने हमसे कहा है कि रात तक आएगी वो। आप मुझे बताओ, उन्होंने ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का लेटर छोड़ा है और लिखा है कि जिसको भी ज़मीन के पेपर देखना है मेरे पास है, ये उनका नंबर है ये, और ये पोजेशन लेटर और ये उसकी कॉपी है जो उन्होंने डाला है, ये और ये पोजेशन लेटर बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक अधिकारी का नाम डिफरेंस है और तारीख डिफरेंस है। तो जितेंद्र अवार्ड बताए, जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये लेटर देती है तो जितेंद्र अवार्ड और उसकी टीम के लोग ये लेटर कहाँ से लाए? क्या ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पेपरों को फोर्स करके हमारे लोगों को गुमराह कर रहे इतने सालों से? क्या ये साजिश नहीं है जितेंद्र अवार्ड की और उनकी टीम की? ये जो उनके वो है पार्टी के कार्यकर्ता बबलू शेख, जो बहुत बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हो, शाकिर नगर सेवक, उन्होंने पेपर कहाँ से लाए? या तो इस पर फॉर्जरी का केस हो, या तो इस पर फॉर्जरी का केस हो, केस तो कोई एक पेपर पे होगा, या म्यूनसिपालिटी अधिकारी ने मुझे फॉर्जरी करके के पेपर दिया है, या तो इनने फॉर्जरी करके पेपर बनाया है। एक ही जगह के दो पोजीशन दो बार कैसे लिए गए? ये 2016 में तो यहाँ पर कब्रिस्तान था ही नहीं, 2018 में कब्रिस्तान यहाँ गया गया, तो ये फॉर्जरी का पेपर है जो उन लोग दिखा रहे लोगों को गुमराह करने के लिए। बबलू का तो कहना है कि जो कब्रिस्तान है मेमोली पे कब्रिस्तान नहीं, वो एक रोड है, नाम है, और कौसा में नहीं है, जैसे आप लोग बता रहे थे कि कौसा कब्रिस्तान है, वो कौसा नहीं, वो मुमरा में है, मुमरा में आता है। ये मैं वापस से कह रहा हूँ, यहाँ के विधायक का पूरा खेल रचा हुआ है TMC अधिकारियों के साथ मिलकर के, और अभी उनके चेले चपाटे मीर जाफर मीर सादिक गुमराह कर रहे। ये पेपर 2019 में दिया गया था, जो ये लेटर है, सुनिए ना, जो ये लेटर है और उनका कहना है कि गोसावी से जो है मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे एक बात बताया, अभी वो गुमराह करने कुछ भी बोल रहे, सेम लेटर की जो लाइन लिखी हुई है कब्रिस्तान देने के लिए, मैंने सेम लाइन लिख करके माइटी मारी है, तो मैं कहाँ गुमराह कर रहा हूँ? अगर अधिकारी उनका गलत लिखता है तो वो उनका फॉल्ट है, यानी अधिकारी ने उस टाइम पे भी जानबूझ के किया हमको गुमराह करने। अगर आपको मैं बोल दूँ कि ये जगह का पेपर निकालिए, तो आप वही पेपर निकालेंगे म्यूनसिपालिटी से जो एक पेपर आपके हाथ में होगा, वही लिख करके दे करके पेपर निकालोगे? तो हम कहीं पे गलत नहीं कर रहे, गुमराह करने वाले गलत कर रहे। पहले तो अभी वो मीर जाफर और मीर सादिक ये बताए कि जितेंद्र अवार्ड ने उनको ये पेपर बना के दिया कहाँ से? जितेंद्र अवार्ड ने ऐसे कितने हमारे रिजर्वेशन के पेपर बना के अपने पास रखे जो अपने गुर्गों को दे करके शहर में गलत फैलाते? क्या लाइब्रेरी जो अभी गलत जगह पे बना रहे उसके भी जितेंद्र अवार्ड के घर पे ऐसे पेपर मिलेंगे? इस पे तो इंक्वायरी बैठना चाहिए। उसके पार्टी के लोगों के पास ये पेपर कहाँ से आ रहे? मैं जो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ मैं गलत नहीं लगा रहा हूँ, अगर मान्यता है तो मुझे पेपरों में क्यों उलझाया जा रहा है? मेरा मुतालबा क्लियर है कि मुझे वहाँ के मान्यता की चार लाइन लिख करके मौजूदा कमिश्नर दे दो। मेरे शहर को समझना पड़ेगा, मेरे शहर के लोगों को समझना पड़ेगा। अब भी अगर इनके झांसों से बाहर नहीं आए ना, आप बहुत पछताओगे। आप देखिए, मैं दो दो पेपर बता रहा हूँ, एक पेपर वो जो म्यूनसिपालिटी मुझे ला करके दे रही है, एक पेपर वो जो जितेंद्र अवार्ड और उसके लोग, उसके पार्टी के लोग यानी व्हाट्सएप पे घुमा रहे। आप देखिए, म्यूनसिपालिटी के पेपरों को फोर्ज करके जितेंद्र अवार्ड और उसकी टीम घुमा रही है। अय्याज बबलू उसकी पार्टी के मेंबर है, NCP के ही है, उसके आगे पीछे दिखते हैं आपको, साथ में ही रह रहे। उन्होंने पेपर डाला, उनके नंबर से डाला है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जाहिर सी बात है MLA ने दिया होगा, या MLA ने अरेंज करके दिया होगा। अब ये पुलिस का मामला है, पुलिस पता करे, या तो फिर ये म्यूनसिपालिटी ऑफिसर ने जो लाए वो गलत है, कोई एक पेपर तो गलत है दोनों में से। तो अभी आप क्या करने वाले हैं आगे? आज 7 दिन तो हो चुके हैं आपको बैठे हुए, अभी आगे क्या आपकी बेमुद्दत धरने? अभी ये पेपर देखने के बाद तो मेरे शहर के लोगों को समझना चाहिए कि कब्रिस्तान के पेपर कैसे गोलमोल किए जा रहे। जितेंद्र अवार्ड और उनकी टीम एक पेपर तुमको बेवकूफ़ बना रही कई सालों से, तुम्हारे लोगों के जज्बातों के साथ खेल रही है, तुम्हारी शहरियत के साथ खेल रही है, तुमको गलत कब्रिस्तान में दफना रही है। कल अगर मेरे भाई मैं आज नहीं बैठता, म्यूनसिपालिटी ये पेपर आनंद फानंद में नहीं बनाती, 2023 का पेपर मेरे को नहीं देगी और मान्यता नहीं देगी, तो आप सोचो कल अगर जैसा देश भर का माहौल बना हुआ है, वेरावल की हमारे सामने मिसाल है, अभी पिछले 10 दिनों का मामला है कि मस्जिद कब्रिस्तान दरगाह पे जिसका इतिहास 700-800 साल पुराना था, वफ की जगह थी, लीगल थी, उधर बुलडोजर चला दिया गया,
तो ये दलाली करने वाले एक एमएलए और उसकी पार्टी के लोगों की ये दलाली, ये फॉर्जरी कि भेंट मेरा मुमरा कल नहीं चढ़ेगा, क्या मेरा ये फिक्र करना गलत है? क्या मेरे शहर में जो 6,000 लोग को दफनाया गया उनको इज्जत से वहाँ रहने दिया जाए, उसकी मान्यता मांगना गलत है? अब आवाम को ये समझना पड़ेगा। मुझे तो चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि आवाम, हर एक आवाम, जितेंद्र अवार्ड, शानू पठान, शमीम खान और ये जो ये मीर जाफर, मीर सादिक जो आगे उड़ कर आ रहे, इन जोशों से रस्ते पे खड़े होकर सवाल करें कि पेपर तुमने लाए कहाँ से, यानी आज तक तुम जितने भी पेपर बनाए। और यही हुआ है, आप देखिए उनके पेपर, जितना एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया है हमारा शहर बाद में उसकी भेंट चढ़ा है, ये पेपरों की जैसी भेंट चढ़ा है। ये देखिए, इसके पेपर भी दिखाए गए थे, संजू जायसवाल टीएमसी कमिश्नर, जितेंद्र अवार्ड, इन लोगों ने जो रास्ता रुंधीकरण में दुकान तोड़ी गई थी, मैक कंपनी के सामने दुकानें बनाई थी, चाबियां बांटी थी, आप लोग के न्यूज़ पे न्यूज़ है उसकी, जाकर चेक करिए, चाबियां बांटी थी, जगह सपाट कर दी गई, इसके पेपर भी दिखाए गए थे। शरद पवार कितने बड़े लीडर थे एनसीपी के, उन्होंने आकर के ये हॉकर जोन की ओपनिंग की थी, ये उनकी बोर्ड उनके नाम का किस तरीके से तोड़ दिया गया, पेपर दिखाए गए थे, म्यूनसिपालिटी ऑफिसर ने जुर्माना भरा है, पेपर की कटिंग देखो आप, ये मामले में तोड़ दिया गया। और एक पेपर का इसका, वो गार्डन का पेपर का है ये, अभी हाल ही में 2 साल पहले कितने शोर शराबे से इसकी ओपनिंग की गई थी गार्डन की, जब हम लोगों ने पेपर निकाले तो पता चला स्कूल की जगह है, ज़बरदस्ती गलत पेपर बताकर, गलत जगह बताकर अपना एडवर्टाइजमेंट किया गया 2 दिन तक, कितने तमाशे के गए, आज बंद कर दिया गया सब, देखो इनके बोर्ड उतार दिए गए, नाम हटा दिए गए फटाफट, किस तरीके से लगाए थे, इस तरीके से खेल हो रहा है, ठीक है ना, गार्डन के साथ करा आपने अपनी कमीशन और दलाली के चक्कर में, हॉकर जोन के साथ करा आपने, आपने वो शॉपर वो रस्ता रुंधी नगर दुकान वालों के साथ गलत करा आपने, लेकिन मेरे भाई वो जिंदा थे, कोई तकलीफ नहीं था, हो गया, लेकिन अगर ये कब्रिस्तान इस तरीके से तोड़ा गया, बंद किया गया, तो 6,000 लोग जो दफनाए गए या फ्यूचर में जितने दफनाए जाएंगे वो उतना क्या होगा? मनपा प्रशासन जब तो जब तक आपको लिखकर नहीं देती है कि ये लीगल किया जाएगा, क्या तब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा? मेरे शहर को हक दिलाना मेरा फर्ज है, मैं इस शहर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे एक पार्टी ने जिम्मेदारी दी है इस पूरे शहर की, अगर मेरे शहर के साथ गलत हो रहा है और वो भी शहरियतन गलत हो रहा है, हमारी शहरियत में अपनी दलाली के चक्कर में गलत किया जा रहा है, एक मुसलमान इल्लीगल जगह पर ना मस्जिद बनाता है, ना दरगाह बनाता है, ना ईदगाह बनाता है, ना कब्रिस्तान बनाता है, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए हम लोगों को गलत जगह पर दफनाया जा रहा है, तो मेरा फ़र्ज है कि मैं मेरे शहर को हक दिला के उठूँ, जब तक मुझे पेपर नहीं दिए जाएंगे, तुमने क्या करा आज तक मुझे नहीं पता, अगर मेरे लोग वहाँ दफनाए गए तो मुझे उसकी मान्यता दे, और हम तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा शहर का रिजर्वेशन आया हुआ है, वो हमारे शहर का हक है, टैक्स पेयरों के पैसों से ली हुई जगह है, वो टैक्स पेयरों के पैसे से बनाई हुई जगह है, वो म्यूनसिपालिटी अपने जाती पैसे से नहीं बनाती है, हमारे पैसे से बनाई जगह, हमको वो हमारा हक चाहिए। तो आपने सुना कि साहब पठान का कहना है कि कब्रिस्तान का जो मुद्दा है, जब तक प्रशासन के तरफ से उन्हें लिखित में नहीं दिया जाता है कि कब्रिस्तान को मान्यता दी जाएगी, तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा।